हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ विद सुधा। आज मैं निकली थी अहमदाबाद में बाहर, तो मेरे घर के ही बहुत ही पास में यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है आर्ट क्राफ्ट का, तो जिसमें सेरेमिक सारे आइटम्स हैं, पॉट्स हैं और बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, बहुत वैरायटीज़ के कप डोंगे बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। मैंने ख़रीदा कुछ नहीं है, बस मैं देखने निकली थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अभी बहुत कुछ है, तो घर में मैं बहुत सारा इकट्ठा करके अभी नहीं रख सकती हूँ, किचन मेरा छोटा है। लेकिन दिखने में ये सारी चीज़ें इतनी सुंदर लग रही थी कि लेने का मन तो हुआ, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने शूट किया आप लोग को दिखाने के लिए, आप लोग को शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे बर्नी है, जार है और सेरेमिक की बहुत सारे आइटम्स, बाथरूम में आप जो सॉफ्ट केस होता है, बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे कप्स थे, चाय कप्स थे और सर्विंग प्लेट, सर्विंग बॉल और बाथरूम से रिलेटेड इस तरह के आप देख रहे हैं जो हैंड वॉश करने के लिए होता है वो बॉटल है, छोटी छोटी मसाले जार रखने के लिए, मसालों को रखने के लिए यहाँ पे आप कप देख रहे हैं और यहाँ पे आप प्लेट देख रहे हैं जिसके साथ दो बाउल अटैच है। तो जहाँ से एंट्री हुई थी बस वहीं पे मैंने कैमरा ऑन करके शूट करना शुरू किया और पूरे जितना भी एरिया में ये कवर था एग्जीबिशन, पूरा राउंड मारते हुए बाहर निकलते हुए सारा शूट किया है। तो यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे पॉट देख रहे हैं, लंबे छोटे, और यहाँ पे भी कुछ पॉट के चीज़ें हैं, और साइड से वहाँ पे वुडन सारे फर्नीचर हैं। यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे कप थे, जैसे खिलौने होते हैं पैसे थे ये, तो जो दूध का और गर्म पानी रखने की केतली जैसे, और छोटे छोटे प्लेट्स कप, तो कप के साथ जो सॉसर होते हैं वो सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉफ़ी मग, मिल्क मग, बहुत प्यारे प्यारे कलर के दिख रहे थे। यहाँ पे डोंगे भी हैं सेरेमिक के जिसमें आप कुछ भी सर्व कर सकते हैं। आँखों को बहुत अच्छे लग रहे थे, आप कुछ ना लें लेकिन आप घर से बाहर निकल के थोड़ा सा इस तरह से घूम के कुछ देख के आते हैं ना, तो आपके मेंटल पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, आप एक खुशी फील करते हैं। आप कुछ मतलब पर देख के आ सकते हो कि दुनिया में बन क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वेराइटी बनती, कैसे है, क्या चीज़ें आजकल निकल के आ रही हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है वो देख रही हूँ मैं, तो ये फिंगर रिंग्स हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इसकी भी बहुत सारी शॉप एक साथ ही लगी हुई थी, तो मैं जस्ट ऐसे ही निकाल के देख रही थी, आप लोग को भी दिखाने के लिए निकाल रही थी। तो इस तरह के मेरे पास दो चार पड़े हुए हैं, पर ज़्यादा मैं आर्टिफिशियल पहनती नहीं हूँ तो लेने का कोई सवाल होता नहीं है, लेकिन देखने में कुछ टाइम तक अच्छे लगते हैं ये। ये देखिए मैंने डाल के देखा है तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर नेकलेस है, तो बहुत लंबी चौड़ी दुकानें इसकी भी थी, शॉप्स थी, और कुछ लोग भी प्राइस पूछ रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग लेने की सोच रहे हैं। यहाँ पे साथ में कुछ हैंडलूम्स के शॉप हैं, कुछ कपड़ों की शॉप है, बट बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ पे भी वही शॉप है सारी, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बैंगल्स इतने सारे हैं, बहुत वैरायटीज़ के, कांच के भी, मेटल के भी, ये बड़े प्यारे मेरे को लग रहे थे। जो मेरी आंखों को थोड़े अच्छे लग रहे थे वो मैं ज़रूर उठा के देख रही थी, बट वापस रख दे रही थी मैं। और यहाँ पे ये जो इतनी मोटी सी ना मोतियों की माला बना के रखी, ये बड़ी प्यारी लग रही है। आप इसे जो इंडियन ड्रेस होती है, सिंपल सलवार कुर्ता होता है जो लेगिंग के साथ आता है, जो रेडीमेड कुर्ती होती है, इसके ऊपर ये माला मोटी वाली बहुत अच्छी जाएगी, तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छी जाएगी। एक सिंपल जो कलरफुल साड़ियाँ होती हैं उनके साथ भी ये बहुत अच्छा जाएगा।
और यहाँ पे कान के ईयर टॉप्स हैं जो बहुत प्यारे लग रहे हैं, जो क्रीम कलर में हैं, ऑफ वाइट हैं और बहुत शाइन कर रहे हैं। बट ये है कि आर्टिफिशियल होते हैं, तो जो इनके जो पीछे वो आयरन का या कुछ भी लगा होता है वो कान में डालो तो कान पक से जाते हैं, लेकिन देखने में बहुत, कभी कभार आप डाल सकते हैं, कभी 2-4 घंटे के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो हल्के सिंपल सूट के साथ, कुर्ती के साथ आप डाल लें, बहुत प्यारे लगेंगे वाइट वाले टॉप्स। अब यहाँ पे ये कारपेट वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं और कुछ कपड़ों की शॉप है यहाँ पे। अब ये है जहाँ से मैंने एक सामान लिया था, आप देखिएगा, ये नहीं, आगे है शायद, ये नहीं। तो कुकिंग का चैनल है मेरा, रेसिपीज़ बहुत सारी ट्राई करती हूँ, तो उस हिसाब से ये तो मैं देख रही हूँ कि इस तरह से आप जो छन्नी होती है छानने की, उसको आप पकड़ के कुछ आप घी से निकाल सकते हैं, तो बस मैं जस्ट देख रही हूँ। बट आगे की शॉप में एक मंचूरियन का पाउडर है, मंचूरियन का बनाने के लिए, वो मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि कुछ ट्राई करना चाहिए, तो मैं घर पे लेके आई थी। और उस पाउडर को लेने के बाद घर पे मैंने ट्राई भी किया है, अच्छा रिजल्ट आया था। तो वो एंड ऑफ द वीडियो है, एंड में है वीडियो के, तो आप पूरा एंड तक देखिएगा कि घर पे लाके उस पाउडर को मैंने बनाया, ट्राई किया, क्या रिजल्ट आया, तो वो पक्का एंड तक देखिए आप। तो ये है शॉप जहाँ पे ये डेमो दिखा रहे हैं, मंचूरियन पाउडर नया ब्रांड होगा, मसाला डालेंगे इसमें और पानी डालना पड़ता है, बस इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं, नमक भी नहीं डालेंगे मसाले के अंदर, क्योंकि सब मिक्स है पहले से। चीज के बारे में डिस्क्राइब करें और देखिए क्या क्या पका सकते हैं, सब बन जाता है और इस पे लिखा हुआ है सब क्या क्या मिक्स रहता है। क्या कॉस्ट है? 150 का 2 पैकेट। तो यहाँ पर बस मैं पैकेट का रिव्यू देख रही हूँ, उसमें क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन वगैरह वो देख रही हूँ मैं, और सोच रही हूँ कि लूँ कि ना लूँ, डिसाइड करने में लगी हूँ। फिर इन द एंड मैंने डिसाइड किया कि चलो लेके देख लेते हैं, घर पे कुकिंग चैनल है मेरा, बहुत सारी रेसिपी ट्राई करती हूँ, इसको भी देख लेते हैं, बच्चे खाना पसंद करते हैं मंचूरियन वगैरह, तो देखते हैं इसका क्या टेस्ट आता है। जब मैंने बनाया इसी में है ये वाला, टेस्ट ही बहुत अच्छा है, तो वो आज की वीडियो में है, जरूर देखिएगा। अभी भैया क्या बोल रहे हैं, वो पसंद लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बोल रहे हैं। और पानी डालना पड़ता है बस, एक ही मसाले में देखिए हर चीज़ पका सकते हैं, कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ता है इसमें। टेस्ट के लिए आलू है, फ्लावर है, टेस्ट करेंगे तो मालूम पड़ता है मैम। टेस्ट के लिए एक पैकेट कितने का है? 18 पीस का है। एक पैकेट का तो टेस्ट करने में इतना चीज़ रहता है पकाने का कि अब टेस्ट करने में खत्म कर। महंगा नहीं लगा रहे हो? क्या कॉस्टली नहीं है? 150 ग्राम। ये देखिए डिमो, देखिए इसमें प्याज का कुछ आता है ना? कांदा लहसुन नहीं आता है ना? आता है, वो अलग है, कांदा लहसुन मेरे पास है नहीं, यहाँ पर भैया जो हैं फुल डेमो दिखा रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जितने भी कस्टमर साइड से निकल रहे हैं सबको बुला रहे हैं कि आप टेस्ट करिए, देखिए, तो वो फुल एफर्ट डाल रहे हैं कि उनका ये पाउडर बिक सके। तो उस टाइम तो सिर्फ मैंने ही लिया था, तो उनका 1-2 पैकेट तो मैंने ही खरीदा था, बट वो जिस तरह से डेमो दिखा रहे हैं, जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये सब पका सकते हैं एक ही मसाले में, मसाले में बस पानी डालना पड़ता है। और डेमो देख लीजिए क्या क्या पकाया था मैंने, ये देखिए फ्लावर डालेंगे इसके अंदर, ये फ्लावर डाल दिया और ये मसाला आता है, मसाला डाल दीजिए और पानी डालना पड़ता है बस, और कुछ नहीं डालना। तो कलर ऐसा होता है उसमें, सब मिक्स रहता है, नमक मिर्ची पाउडर कलर सब मिक्स रहता है। और देखिए इस पर लिखा हुआ है क्या क्या मिक्स रहता है, कम होता है ना तो हम इसको भर देते हैं, क्योंकि हम इसको खिलाते हैं मैडम। देखिए पैकेट पहले से कटिंग एक रखते हैं, क्योंकि जब कम पड़ता है ना तो हम भर देते हैं, क्योंकि हमको ही खिलाना है, हर कस्टमर को बताना है कि क्या चीज़ है, ये बेचने के लिए होता है, बेचने वाला पैकेट ऐसा ऐसा होता है। मैं अभी भी उठा के देख रही हूँ, डिसाइड करने की 150 का दो ले लूँ कि नहीं ले लूँ, बहुत बार उठा के, बहुत बार रख रही हूँ, बहुत बार उठा के, एटलीस्ट मैंने यहाँ पे उठा लिया है, पैक करवा लिया है, पेमेंट कर दी है, बस लेके निकल पड़ी हूँ दूसरी शॉप पे।
और यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स की शॉप है, जिसमें ये अलसी का स्नैक्स है यानी कि फ्लैक्स सीड, उसकी ये खस्ता पापड़ है तो बहुत अच्छे लगे थे। ये चीज़ का कुछ फ्लेवर के साथ रहता है। यहाँ पे चॉकलेट रोल है, तो कुछ दो तीन आइटम मैंने यहाँ से भी खरीदे थे, तो कम से कम मैंने कुछ खाने का सामान तो लिया ही था। आप ये दे दो 250 ग्राम। क्या कॉस्ट बताया इसका? 250। यहाँ पे होम डेकोरेशन के लिए चीज़ें रखी हैं, जो पानी में कमल लोटस का इस तरह से फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे टर्टल भी है जो पानी में फ्लोट कर रहा था। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे फर्नीचर शॉप की साइड, बस यहीं से एग्जिट है आपको बाहर निकलने का। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जो एंशियंट लैम्प होते थे वुडन के साथ फर्नीचर होते हैं, वो सारी चीज़ें रखी हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, एंशियंट के लुक आता है, तो बहुत ऑथेंटिक फीलिंग आती है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत कुछ ट्रे वगैरह है वुडन की। यहाँ पर जल्दी जल्दी कैमरा घुमा रही हूँ। यहाँ पे ये जो पेस्टल मोटर रखे हैं, बहुत कुछ है अट्रैक्टिव, देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे स्पून है, ये चीज़ मैंने ली थी बट ये वर्थ वाइल नहीं निकली। ये है शक्करपारा बनाने के लिए कि आपने एक साइड इधर घुमाया उधर घुमाया कट गया, बट मैंने ट्राई किया नहीं वर्क नहीं हुआ, ये चीज़ मेरी लॉस में चली गई। और ये चेयर पे स्टूल वगैरह चेयर वगैरह के लिए पूछ रही हूँ मैं, कितना तो बस यहाँ से निकलती हूँ मैं बाहर। हो चुकी है मेरी अच्छे से इसके अंदर की सारी चीज़ें शूट करके दिखा चुकी हूँ मैं आपको। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। शाम को थोड़ा सा मैं अकेले ही निकली थी, बच्चे घर पे थे, तो बस मैं यहाँ पे लेट हो चुकी हूँ, घर पे जाके डिनर भी बनाना है। और जो मैंने इसकी मंचूरियन पाउडर को ट्राई किया था वो नेक्स्ट डे या उसके एक दिन बाद ट्राई किया था, तो बस उस क्लिप को भी ऐड किया है। तो यहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी है, तो बस बैठती हूँ गाड़ी में, निकलती हूँ घर की तरफ और बनाती हूँ मंचूरियन पाउडर के साथ रेसिपीज। मंचूरियन गोभी और आलू के मैंने ऐड किया है। तो ये है पैकेट रिमझिम मसाला, मंचूरियन मसाला, वेज मसाला, वेज मंचूरियन लिखा हुआ है। तो 85 का एक पैकेट पड़ा था मुझे 150 ग्राम का, तो बस ट्राई कर रही हूँ। लंच के टाइम ट्राई किया था, तो खाना भी बना था उसके साथ, थोड़ा थोड़ा मैंने इसको भी दिया था। वेज पकौड़ा है, गोभी पकौड़ा है, मंचूरियन, ऐसा करके सारा लिखा हुआ है। स्पून मसाला मतलब जितना आप इस पाउडर को डालते हैं, दो स्पून डालते हैं तो दो स्पून पानी ही भी डालेंगे। तो यहाँ पे कट कर रही हूँ मैं। तो मैंने बताया कि जितनी क्वांटिटी में आप पाउडर डालेंगे उतनी, जैसे आप चम्मच से नाप लें तो उतना ही चम्मच आप पानी भी डालेंगे। बस पाउडर और पानी मिलाया और आपने जो भी सब्जी काटी है, मिर्ची है, प्याज है, गोभी है, आलू है, किसी का भी बना लें तो ठीक है। अच्छा रिजल्ट था। गोभियाँ मैंने यहाँ पे काट के धो के रख ली हैं, थोड़े छोटे पीसेस और कर दे रही हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े ना बने, ताकि थोड़े से अच्छे साइज बने, ताकि हम आराम से उठा के खा सकें। तो यहाँ पर एक आलू भी लिया है, तो इसका छिलका है वो पतली स्किन वाला है,
तो साथ में वो भी ले उसको भी रख रही हूँ मैं, छिलका निकाल ले रही हूँ क्योंकि बिल्कुल नए आलू है ये, और इस तरह के चंक्स में काट ले रही हूँ। आप लंबी पतली स्ट्रिप्स में काट सकते हैं और चंक्स में भी रख सकते हैं, जैसे आप जिस तरह का साइज या शेप देना चाहें। तो सबसे पहले आलू का बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने डाल दिए हैं, 1 या 2 आलू मैंने शायद लिए हैं, तो 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। बस हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि हर एक आलू पे उसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए। और साथ में आप तेल भी रख दें गर्म होने के लिए, डीप फ्राई करना है इसे। तो बस यहाँ पे तेल गरम है, तो इस तरह से करके मैंने सारे डाल दिए हैं और बहुत क्रंची और क्रिस्पी कुक हुआ था ये, तो टेस्ट भी अच्छा था। तो ये आलू के बन चुके हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑयल है थोड़ी देर स्पैटुला को रोक लें और एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाने दें। और मैं तो ऐसे ही प्लेट में निकाल लिया है ताकि मैं इसे फ्लिप करके आपको इसका आवाज़ सुना सकूं, लेकिन आप जो किचन का नैपकिन पेपर होता है उस पर निकालें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक हो जाए। इसकी आवाज़ सुनिए कितना क्रिस्पी बना है। बस अब उसी तरह से गोभी वाले को भी बना लेना है, सेम प्रोसेस सेम तरह से फ्राई, और इसकी भी क्रिस्पीनेस आप देखना आगे की वीडियो में। आगे मैंने इसको भी ऐसे टॉस करके दिखाया है तो बहुत क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर भी गोभी फ्राई हो चुकी है और गोभी की भी आवाज़ सुनिए कितना क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। तो बस यहाँ पे होती है मेरे इस वीडियो की एंड। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मैंने आपको डेमो अपने घर पे भी दिखा दिया बना के, पसंद आई हो तो आप भी अभी कभी मंचूरियन पाउडर मिले तो बना के देखें। मिलती हूँ किसी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।